प्रदेश में मॉनसून की बरसात ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया। इस विपदा में जहां सरकार बाढ़ प्रभावितों की सहायता में लगी है, वहीं विपक्षी दल के साथ साथ स्वयंसेवी संस्थाएं भी मदद के लिए हाथ बढ़ाने लगी है। आज रामकृष्ण मिशन संस्था की ओर से गानवी और समेश के लिए करीब 6 लाख रूपये की सामग्री आर्यव्रत चैरिटेबल सोसाइटी के माध्यम से भेजी गई। इन राहत सामग्री से जुड़े वाहनों को नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने रामपुर से रवाना किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हालांकि अभी बरसात शुरुआती दौर में ही है, फिर भी नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। जयराम ठाकुर ने कहा कि वे इस विषय को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भी मिले हैं। उन्होंने मदद का पूरा भरोसा दिया है। इस आपदा की घड़ी में स्वयंसेवी संस्थाओं से भी उन्होंने आगे आने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि कुछ संस्थाएं इसमें आगे आ रही हैं, यद्यपि मदद करने की पूरी कोशिश हो रही है, लेकिन इसकी भरपाई करना काफी मुश्किल है। बहुत सारे लोगों की जिंदगियां चली गई, जो कि सबसे बड़े दुख का कारण है। इस प्रकार से ये हिमाचल प्रदेश में लगातार दूसरी बार हो रहा है। पिछली बरसात में भी बहुत बड़ी त्रासदी हुई है और आपके इस बरसात में, हालांकि बरसात अभी पूरी आई नहीं, शुरुआती बरसात है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद बहुत बड़ा जान माल का नुकसान हुआ है। और अभी तक हिमाचल प्रदेश में जो जानकारी हमको मिली है, 55 के करीब जो है लोग जो मिसिंग है, जिसमें 5 लोगों की डेड बॉडी रिकवर हो पाई है और बाकी अभी तक मिसिंग है। और मिसिंग होने का अभिप्राय यह है कि जब 4 दिन हो चुके हैं तो स्वाभाविक रूप से उनकी जिंदा रहने की संभावनाएं अब कम होती जा रही हैं, ऐसा सब हम महसूस कर रहे हैं परिवार के लोग। और यहाँ समेज में बहुत बड़ी त्रासदी जो हुई है, जिसमें 36 लोग जो है वो मिसिंग है, और इसके साथ साथ में बागीपुर में भी 7 लोग मिसिंग हैं। मंडी जिला के अंतर्गत द्रंग विधानसभा क्षेत्र में भी, वहाँ पर भी त्रासदी हुई है, 10 लोग मिसिंग है, 5 लोग की डेड बॉडी रिकवर हो चुकी है वहाँ पर। और ऐसे में सरकार भी प्रयत्न कर रही है, लेकिन समाज आगे बढ़कर के, संस्थाएं आगे बढ़कर के जो मदद कर रही हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। आज यहाँ से समेश के लिए जो रामकृष्ण मिशन की ओर से स्वामी जी हमारे बीच में हैं, सबके सहयोग से, इनके आशीर्वाद से लगभग 6 लाख की सामग्री, जिसमें गद्दे हैं, बर्तन हैं, राशन है, वो सारी चीज़ों को लेकर के 50 किट कुल मिलाकर के बना करके जो यहाँ से रवाना की है। तो राहत देने का काम तो है, लेकिन जिन लोगों की दुखद जिंदगी चली गई है, वो हमारे लिए सचमुच चिंता का काम है परिवार के लिए। मैंने प्रधानमंत्री जी से भी इस संदर्भ में बात की, गृहमंत्री जी से भी, और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो स्वास्थ्य मंत्री है जगत प्रकाश नड्डा जी, उनसे भी बात की। सब लोग चिंतित हैं और केंद्र की ओर से जो यथासंभव जो मदद हिमाचल प्रदेश को करनी है वो की जा रही है। और मैं इस बात को लेकर के भी धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि, पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधि, चुनाव लड़े हुए लोग, सब लोग समाज में यथासंभव अपना इस राहत कार्य में जुटे हुए हैं और मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। चीज़ों को लेकर के हर बार जो है हम देख रहे हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग दौर में चीज़ें होती जा रही हैं। और जहाँ समेज के बारे में कभी कल्पना नहीं थी, बागीपुर के बारे में कल्पना नहीं थी, बागीपुर में घटना घटित हुई। और इसके अलावा जो द्रंग विधानसभा क्षेत्र का जो एक गांव जहां 10 लोग चले गए, सोचा ही नहीं जा सकता था, इसको भी सारा ये मुझे लगता है कि थोड़ा चिंता का विषय तो है ही है, लेकिन इस सारी चीज़ को आने वाले समय में रोकने की आवश्यकता तो है, वो निश्चित रूप से उसको प्रयत्न करेंगे। और ख़ासतौर से इस पर अध्ययन भी अब जारी है कि क्या किया जा सकता है।